इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे हार्मोनिक मीन, जबकि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की हार्मोनिक मीन। सेम दो हिस्सों में कॉपी को डिवाइड कर लेंगे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के नाम पे, हार्मोनिक मीन में भी इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट दो पार्ट कर लीजिए कॉपी का। देखिए हार्मोनिक मीन हम किस में देखने वाले हैं, इंडिविजुअल का। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है एन अपॉन समेशन ऑफ वन अपॉन एक्स आई। मतलब अगर आपकी सीरीज दी हुई है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, एन अपॉन समेशन ऑफ वन अपॉन एक्स आई। या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर ये तीन टर्म्स है यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा थ्री अपॉन वन अपॉन एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स टू प्लस वन अपॉन एक्स थ्री, ये इस तरीके का डिनोट नोटेशंस कर सकते हैं आप समझने के लिए। समझ में आया इंडिविजुअल में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला? इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर 4 6 10। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, 15th। क्या निकालना है हमें 15th क्वेश्चन में, हार्मोनिक मीन निकालना है और एक्स सीरीज दी हुई है 4 6 एंड 10। 4 6 एंड 10, तो अब देखिए फॉर्मूले में पुट करेंगे कितने सीरीज नंबर्स है, 3। तो एन क्या रहेगा, 3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 4 6, 1/4, 1/6, 1/10। तो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेटर में कैसे एक बार में करेंगे, बिना कुछ अगर सॉल्व नहीं करना है डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करना है तो कैसे करें, ऑन प्रेस कर लीजिए, सारी मेमोरी इरेज हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे वाला जो फिगर है उसको हम पूरा कैलकुलेट करके मेमोरी कार्ड में डाल देंगे। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड में डाल देते हैं 1/4 m+ 1/6 m+ 1/10 m+। ये तीनों प्लस मेमोरी में जाके सेव हो चुका है मेमोरी कार्ड में, इसको रिकॉल करने के लिए एमआरसी प्रेस करना रहता है। अभी हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करते वक्त रिकॉल करेंगे। तो अब क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाय एमआरसी, एमआरसी प्रेस करते ही आ गया नीचे वाले का फिगर 0.51666 एंड देन इक्वल्स टू, डायरेक्टली हमारा आंसर कितना आ गया, 5.806 मतलब 5.81। ऑलमोस्ट यहाँ पे 5.77 है क्योंकि यहाँ पे एक एक को सॉल्व किया है हमने, पूरे 12 डिजिट्स को कंसिडर कर लिया, इसलिए आंसर 5.81 आया। आपको मिल जाएगा मिलता जुलता फिगर ऑप्शंस में, तो आप ये वाले इससे मिलता जुलता फिगर्स को टिक करेंगे। समझा, एक बार में कैलकुलेटर में कैसे करना है, हमने मेमोरी कार्ड में डाल दिया ये नीचे वाले फिगर्स जो थे, इसको हमने क्या किया, m+ m+ m+, और लास्ट में जब हम डिवाइड करने वाले थे तो 3 डिवाइडेड बाय mRC, 3 डिवाइडेड बाय mRC, ये करते ही हमारा ये आंसर आ गया। ये क्लियर हुआ इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करना है और कैसे कैलकुलेटर ट्रिक में एक बार में कैलकुलेट करना है हार्मोनिक मीन। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है। डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन यहां पे क्या फॉर्मूला होता है,
हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, कैपिटल एन मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई डिवाइड बाय एक्स आई। ठीक, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर इलुस्ट्रेशन नंबर है एक्चुअली ये आपका, इलुस्ट्रेशन नंबर देखते हैं, ये रहेगा आपका नेक्स्ट 16th वाला, इलुस्ट्रेशन 16th 15.1.16। यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है x की सीरीज और f की सीरीज, क्या दी हुई है 2 4 8 16 2 4 8 16 एंड देन 2 3 3 2 2 3 3 2। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू सबसे पहले ये टोटल कितना हुआ 10 हो रहा है, 2 + 3 + 3 + 2 तो कैपिटल एन रहता है ऊपर, तो 10 उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होने वाला है एफ आई डिवाइड बाय एक्स आई का समेशन, तो एफ आई कितना है 2 / 3 / 4 / 3 / 8 + 2 / 16 ये आपको निकालना है। अब ये कैलकुलेशन देख के डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान कैलकुलेटर में अभी आप मैंने आपको सिखाया मेमोरी कार्ड वाला ट्रिक, मेमोरी वाले कार्ड वाले ट्रिक से एक बार में आंसर आ जाएगा। क्या करना है, ऑल प्रेस कर लिए सारी मेमोरी रेस, उसके बाद 2 / 2 m + 3 / 4 m + 3 / 8 m + 2 / 16 m+ सब नीचे वाली मेमोरी पूरी सेव हो गई मेमोरी कार्ड में। अब 10 / MRC नीचे वाली पूरी डिनोमिनेटर को पूरा रिकॉल कर लेते हैं, MRC 2.25 रिकॉल हो गया, इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया 4.44। ये देखिए 4.44 डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये आंसर, आपको कोई भी एक एक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूले में नोट डाउन बस करना आना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस, उसके बाद आप कैलकुलेटर में एक बार में मेमोरी कार्ड का टेक्निक यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज, अब देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। यहां पे दो प्रॉपर्टीज होती है हार्मोनिक मीन की, एक प्रॉपर्टी तो वही है, अगर सारे वैल्यूज ऑब्जर्वेशन आपके कांस्टेंट रहते हैं के, तो हार्मोनिक मीन भी कांस्टेंट रहेगा के, और दूसरी प्रॉपर्टी आपके कंबाइंड हार्मोनिक मीन की है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज कांस्टेंट से के देन हार्मोनिक मीन विल आल्सो बी के। ये तो अब आपको याद हो गया होगा, हर एक में यही प्रॉपर्टी आ रही है। सेकेंड आपकी है कंबाइंड हार्मोनिक मीन की, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n1 + n2 डिवाइडेड बाय n1 / h1 + n2 / h2 मतलब हार्मोनिक मीन 1, हार्मोनिक मीन 2 और n1 n2 नंबर ऑफ टर्म्स टोटल। क्लियर है ये कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, अब देखते हैं इसका एक सम कंबाइंड हार्मोनिक मीन का। आपको नहीं दिया हुआ है, आप अपने मन से अज्यूम करके लिख सकते हैं कि अगर n1 है 10, n2 है 20, h1 है 20 और
H2 है 30, ठीक है। तो अब इसको अगर पुट करेंगे फॉर्मूले में तो क्या हो गया, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 30। फिर से वही मेमोरी कार्ड वाली टेक्निक, जल्दी से कैलकुलेटर पे 10 ऑन प्रेस कर लिया, मेमोरी रेज 10 डिवाइडेड बाय 20 एम प्लस 20 डिवाइडेड बाय 30 एम प्लस, ये दोनों सेव हो चुका। अब क्या करना है, ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं, 10 प्लस 20 10 प्लस 20 30 हो चुका। अब डिवाइडेड बाय जो नीचे मेमोरी कार्ड में सेव कर रहे थे, रिकॉल कर रहे हैं, डिवाइड बाय MRC 1.166 स्क्रीन में आ गया, ये रिकॉल कर लिए, इज इक्वल टू कितना आंसर है, 25.71। इस तरीके से क्या हो गया, ये कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकल गया। सेम इसमें ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा मिलता जुलता आपका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन जैसा ही है, बस यहाँ पे ये डिवाइड में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, ये नीचे वाला फिगर वहाँ पे आपका अलग तरीके से रहता था। तो ये कंप्लीट हुआ आपका हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मोड, ये तीन टॉपिक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब एक रिलेशनशिप और देख लीजिए, रिलेशनशिप जो अब तीनों आपका हो चुका, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, अब वो देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक, उसके बाद क्या पढ़े थे अपन ने, ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन। अब देखिए इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको डिनोट किया जाता है, AM जो रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, उससे छोटा GM और उससे छोटा HM रहेगा। तो ये रिलेशनशिप कैसी होती है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। इसको प्रूफ करने के लिए आप 17th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया हुआ है आपको 17th क्वेश्चन में, 6 8 12 36, 6 8 12 36, सिक्स एट ट्वेल्व 36। जल्दी से इसका अर्थमेटिक मीन भी निकाल लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल लीजिए और हार्मोनिक मीन भी निकाल लीजिए, फटाफट निकालिए। अर्थमेटिक मीन तो कितना हुआ, कैलकुलेटर पे ही निकाल लेते हैं, ऑन प्रेस करिए मेरे साथ साथ, 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना है, 15.5। अच्छा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में 1 2 3 4 है, उसकी पावर मतलब 1/4 होने वाली है, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है हमें, ऑन प्रेस कर लिया, 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 36 कितना आ रहा है, 20736। अब 2 द पावर 4 है, मतलब दो बार अंडर रूट करेंगे तो भी आंसर आ सकता है हमारा, तो 20736 के लिए यहाँ पे अंडर रूट का बटन है, उसको दो बार प्रेस कर देते हैं, 1 2 कितना आंसर आ गया, 12। क्लियर हुआ ये वाला कैसे निकला, ये सबको मल्टीप्लाई किया, 2 द पावर 4 था तो 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर, तो दो बार अंडर रूट करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या कितना रहेगा, 4 डिवाइड बाय 1/6 1/8 1/12 1/36। कैलकुलेटर में कैसे करते थे, ऑन प्रेस कर दिया, 1 upon 1 divided by 6 m plus 1 divided by 8 m plus 1 divided by 12 m plus 1 divided by 36 m plus, ये सब नीचे वाली मेमोरी पूरी सेव हो गई मेमोरी कार्ड में। अब उसके ऊपर कितना है, 4,
तो 4 डिवाइडेड बाय एमआरसी एंड देन इक्वल्स टू कितना है 9.93। देखो क्या ये कंप्यूटेशन रिलेशनशिप फिक्स हो रही है। देखो 15.5 ग्रेटर देन है, बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से 12, और वो बड़ा है हार्मोनिक मीन से 9.93। अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, और ये ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है हार्मोनिक मीन से। ये रिलेशनशिप प्रूव हो गई। ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद के जो इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। वो आपके मैथ्स के कुछ टॉपिक के साथ भी लिंक होते हैं, जो सीरीज चैप्टर आप पढ़ेंगे, जो सीरीज आपके मैथ्स के फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में जो कवर्ड होती है, तो वो सारे कंसेप्ट भी आपको यूज होंगे। उसको यूज करते हुए आप जो अभी तक हमने सेंट्रल टेंडेंसी में जितने कंसेप्ट पढ़े उसको यूज करके सारे सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए होमवर्क है, और प्लस जितने भी बैकवर्ड जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस चैप्टर के पूरे सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा इस चैप्टर का, और ज्यादा आपको क्लैरिटी आते जाएगी, और अपनी कॉपी को प्रॉपरली इस टेबल्स को मेंटेन रखेंगे ताकि रिविजन के टाइम ये बहुत अच्छे से काम आ सके, हमें बहुत जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर सकें। थैंक यू।